डॉक्टर की लापरवाही से गई चार मासूम बच्चे की जान, जिसे संसार में डॉक्टरों का भगवान कहा जाता है। लेकिन आज डॉक्टर इमरान मेडिट की लापरवाही से उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती के बिनगा जिला अस्पताल में चार मासूम बच्चे की जान चले गई। जब डॉक्टर इमरान को कॉल किया गया तो बोले कि मैं तुम्हारे कहने से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे रोज बीमार होते हैं और मरते हैं, इस समय नहीं आऊंगा। जब डॉक्टर नहीं आए तो मासूम बच्चे की हालत रात में काफी ज्यादा गंभीर हो गई, जिसकी खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर इन चारों मासूमों की जान का क्या गलती थी? इन्होंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। बच्चे का दर्द क्या होता है, उस माँ से पूछे जिसने अपने बच्चे को खोया है। जब इनका उस जैसे अस्पताल में मासूम बच्चे की जान ली जाती है तो ऐसे अस्पताल को बंद करा देना चाहिए, और बच्चों की जान लेने वाले डॉक्टर इमरान मेड जैसे को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए। अब देखना यह है कि भिनगा जिला अस्पताल के जिले के डीएम इस डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करते हैं। खास रिपोर्ट अहमद। आप यहाँ पर क्या है? श्रावस्ती। आपका नाम? अच्छा, तो आप यहाँ पर रखवाली करते हैं? जी। आपको परमिशन मिला है कि किसी भी पत्रकार को अंदर न जाने दिया जाए? सेमस किसने ऑर्डर दिया है? ये सेमस सेमस ने ऑर्डर दिया है कि अगर पत्रकार अगर आता है तो आप अंदर मत जाने दें। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर जो है डिलीवरी कराने आई थी, कब आई थी आप? कल 2 बजे। अच्छा, तो आपका भी बच्चा इस बार हुआ है? हाँ। कैसे हुआ? सीरियस हो गया, कोई सुनवाई नहीं। डॉक्टर से आपने बताया नहीं? डॉक्टर साहब से बताओ, देखी थी, देख के चले गए। अच्छा, देख के चले गए, उन्होंने बताया नहीं कि मतलब ये इसका प्रकरण इसका उपाय किया जाए। कितने देर तक डॉक्टर साहब यहाँ रुके थे? 5 मिनट। उन्होंने कुछ बताया जब बच्चा सीरियस था तब? कुछ नहीं बताया। देख लीजिए, कम से कम 100-150 बच्चे हैं, इसमें 5-6 बच्चे ऐसे थे जो अपने मतलब आखिरी वक्त पे चल रहे थे, मतलब तब इस बार हो या कोई पता नहीं। इन्होंने ये देखिए कि 5 मिनट में 100-150 बच्चे को कैसे इन्होंने चेक किया, किस हिसाब से चेक किया, कैसे उनका इलाज किया इन्होंने, अब जितने भी मरीज पूछ लीजिए। जब आपने फोन करवाया तब वो 5 मिनट के लिए आए? आपको सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद फिर मैं जब बच्चा मेरा सीरियस था तो ये चौधरी इन्होंने भाई फ़ोन किया, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा जो बात हुई हमारी। फिर भी ये मैं इससे बात हुई तो इन्होंने बोला मेरा बच्चा यहाँ पे सीरियस है और भी 2-4 बच्चे सीरियस हैं, तो उन्होंने बोला क्या अपना अपना काम बताइए। हाँ, अपना काम बताइए। बार बार ये बोलता रहा कि नहीं मेरा बच्चा सीरियस है, यहाँ पे बच्चे हैं। और एक मिनट, और उसके बाद जब मेरे रात में यहाँ पे जब मतलब रात में मतलब बच्चा मेरा जब सीरियस हुआ तो मैंने मैम से बोला जो अंदर बैठती है, मुझे बोला सिस्टर आप एक बार थोड़ा डॉक्टर साहब से बात कर लो जो देख के गए बच्चे को। तो इन्होंने जब फ़ोन लगाया तो पहले इन्होंने डॉक्टर साहब ने मैडम को पहले डांटा है जो भी फ़ोन में बोला। मैं उनसे पूछते पूछा भी कि डॉक्टर आपको मतलब डांट रहे थे? बोले हाँ भैया, हमको डांटे हैं वो, ठीक है। तो मतलब स्टाफ जो भी है यहाँ पे, स्टाफ तो फिर भी अपने हिसाब से जो भी कर सकते थे वो लोग किए हैं, लेकिन जिसके लिए जिसको सार्जन बनाया गया है यहाँ का जो मेन गार्जियन है बच्चों का, वो बच्चों के मतलब बच्चों उनके नज़र में उनका कोई अहमियत नहीं है, मतलब उनके लिए थोड़े कीड़े मकोड़े हैं उनका बच्चों, उनके नज़र में बच्चों का कोई अहमियत नहीं जो मैं देखा हूँ। 24 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे, 24 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे, 5 मिनट वो इस तरीके से आए, बच्चों को फॉलो किए हैं कि मतलब वो मरे तो ठीक है ना, बच्चे तो भी ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों से, ठीक है। वो सिर्फ अपने सैलरी से मतलब रखते हैं, मतलब उनको सरकार पैसा दे रही है, अपना प्राइवेट घर चला रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब ये बताइए 24 घंटे में यहाँ पे सिर्फ वो 5 मिनट नजर आया हम लोगों को। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आज रात में घटनाएं घटी हैं और डॉक्टर को इन्होंने फोन किया लोगों ने जो है, लेकिन आज की घटना में लगभग 2-3 बच्चे इस पार हो गए हैं, इस प्रकरण में जो है डॉक्टर का क्या कहना? दो बच्चे इस पार हुए जी। ये दोनों बच्चे जिससे भर्ती हुए थे उस समय ही उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। एक बच्चा तो हमारे यहाँ का ही था, एक बच्चा सीसिया का था, और जिस समय ये यहाँ पे आए थे उस समय इनकी स्थिति बिल्कुल, ये सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको झटके भी आ रहे थे। रात को 8 बजे जो यहाँ पे डॉक्टर हैं बच्चों के, उन्होंने उनका राउंड ले करके उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लिखा, और उसके बाद से जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो उनको दिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये ऐसी जगह ही है कि यहाँ पे अधिक
गंभीर बच्चे आते हैं और इसीलिए यहाँ पे मृत्यु की संख्या जो होती है नॉर्मल जगहों की तुलना में ज़्यादा होती है। 100 में करीब करीब 20% तक अगर 100 बच्चे भर्ती होते हैं और 20 बच्चे अगर यहाँ एक्सपायर हो जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कहती है कि इतना एक्सेप्टेबल है। जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो है डॉक्टर जो है इमरान मोहित को फ़ोन भी किया लेकिन इमरान मोहित यहाँ पर देखने नहीं आया। उनको जो है ये मतलब एक डॉक्टर का ये हक बनता है कि यहाँ पर बच्चे को आके देखा जाए फिर भी वो देखने नहीं आया, इसके लिए क्या कहेंगे? ये जो आप मुझसे बात कह रहे हैं ये बात मेरे संज्ञान में आई है और डॉक्टर इमरान मोहित जैसे ही अपना आते हैं मैं लिखित रूप से उनसे इसके बारे में पूछता हूँ और अगर उनकी जवाब संतोषजनक नहीं होगी तो उनके विरुद्ध जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो मेरे द्वारा की जाएगी। कुछ अधिकारियों को भी इसके बारे में लिख दिया जाएगा।